आज का सीन ये है कि हम ब्रदर की डेथ स्टोरी पे एक व्लॉग बनाएंगे, ठीक है। आखू भी हमारे पास आया था यार, इसके कोई चैनल का मसला बन रहा था 3 दिन से, इसलिए वीडियो नहीं आ रही। तो यार इसके चैनल की वेरिफिकेशन वगैरह अब कर दिया, अब इसका व्लॉग आ रहा है। लाजमी जाके खुबैब शेख के नाम से चैनल होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसके चैनल को जाके सब्सक्राइब करना है भाई। भैया माज भैया हमें शेर व शायरी करके सुनाएंगे, ये सुनेगा, ये भी सुनेगा, मैं भी सुनूंगा। इसको तो आप जानते हो भाई, मैट्रिक पास हो गया अगला। हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू न्यू अनदर व्लॉग। तो यार आज का सीन ये है कि हम ब्रदर की डेथ स्टोरी पे एक व्लॉग बनाएंगे, ठीक है। कल के भी लोग मतलब के नहीं आया था वो, तो अभी क्या सीन है, हम सो के उठ गए हैं तो अब नीचे चलते हैं, नाश्ता वगैरह तैयार है वो करते हैं, उसके बाद कमरे में जाके वीडियो बनाएंगे। तो एनीवे अगर किसी ने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा देना। तो अभी नीचे चलते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं, उसके बाद ही आपको मिलते हैं। यार नीचे आ गए, नाश्ता वगैरह कर लिया यार। मामा यार वो वीडियो ही नहीं कल शूट की हमने, तुम चले ही गए थे। अब पिछला भी मैं ऐसे ही कर दूंगा ना, ये अगले वाले में डाल दूंगा। चल ऐसे कर ले। तो यार अब यहाँ से शुरू करते हैं, जो स्टोरी वगैरह कैमरा वगैरह सेट करके हम बैठते हैं, फिर शुरू करते हैं। यार कैमरा शैमरा हमने सेट कर दिया है, तो स्टोरी ऐसे सारा सीन के भाई मेरा था एक बड़ा भाई, ठीक है, मेरे से तकरीबन 2 साल बड़ा था। तो यार जब कोरोना कोरोना लगा था हमारे यहाँ, कोरोना की नई लहर आई थी अभी, COVID-19 जब लगा था, उसके बाद 2 साल लॉकडाउन रहा था, या साल शायद रहा था, इतना नहीं अब याद। 2020 में जब लॉकडाउन खुला था थोड़ी देर के लिए, उस दौरान उसके एक दोस्त की आई थी बर्थडे, ठीक है, तो वो मामा ने इजाजत दे दी, बीच में थोड़ी देर के लिए खुला था, मतलब बाद में दोबारा लग गया था ना। छोटी ईद पे लॉकडाउन 4 दिन के लिए खुला था, छोटी ईद पे खुला था, तो बीच में उसकी आई थी दोस्त की बर्थडे, ठीक है, उसने मामा से पूछा, ठीक है, कि मैंने ऐसे ऐसे बर्थडे पे जाना है। ज्यादातर हमारे मामा पापा हमें इतना निकलने नहीं देते थे भाई, थोड़े हम पैम्पर्ड बच्चे थे मम्मी डैडी। तो यार ऐसा सीन था, उसके बाद उसने मामा से पूछा, उसके बाद सामान वगैरह को यार लेने गए थे, सामान नहीं हम, हाँ सब्जी वगैरह सारा कुछ ग्रोसरी लेके आए थे। तो फिर कहता आके मामा मैंने बर्थडे पे जाना, फिर कटिंग कराने चला गया, कटिंग करा के आया, नहाने गया, फटाफट बाहर आ गया, फिर वो उसके बाद चला गया। कभी गाड़ी की चाबी पकड़ा था, कभी रख रहा था, तो पता नहीं उसका दास था पूरे रोजों में, रमजान में वो दास रहा है, कोई रोजा नहीं छोड़ता था, किसी के जनाजा नहीं छोड़ता था, जुम्मा नहीं छोड़ता था, वो बस वो गॉड गिफ्टेड ही था। बुक्स खोलता था, ऑल एवर का स्टूडेंट था, बुक्स खोलता था तो कहता था मामा ये तो हलवा पेपर है, ये तो मैं तो मामा अगले साल यूनिवर्सिटी चला जाना। वो भी तो बताओ ना, जो मतलब थोड़े टाइम पहले उसने दराज अपना तोड़ के, हाँ अपना दराज तोड़ दिया उसने कुछ देर, दराज की चाबी नहीं मिल रही थी, दराज ने तोड़ के सारा सामान जो अंदर था वो पापा को दे दिया, जिस जिस का था सारा दे दिया, बांट दिया सारा कुछ। और मैंने कहा उस टाइम 1000 रुपया दिया था, 1000 रुपया मामा ये रिशा को बर्थडे पे दे देना, रिशा की बर्थडे आ रही है, तो ये आप ना 1500 पकड़ो, इसमें 500 डाल के ना रिशा को दे देना। मैं कहा तू कहाँ जा रहा है, कहता है फिर ना चुप करके ना फ्रिज से उस साइड पे चला गया, उससे बात ही नहीं की। मुझे आज समझ आती है वो ये क्यों ऐसी बातें कर रहा था। 30 मई को डेथ हुई थी ना, हाँ 31 मई को, 31 आखिरी दिन था 2020 को उसकी डेथ हुई थी, और 20 जून को मेरी बहन की सालगिरह थी, मतलब वो 1000 रुपया अपना और मेरे से पैसे लेके दे गया था, पहले ही पकड़ा दिए मुझे, मुझे पहले ही दे गया कि मामा ये पकड़ रही है उसको दे देना। अच्छा तो यार मेन बात ये है कि सारे पैसे वगैरह उसने दे दिए, उसके बाद भाई मामा को कह के निकल गया, मतलब गाड़ी अपनी नहीं लेके गया, दोस्त के साथ चला गया। और जैसे ही वो निकला 20 मिनट बाद भाई हमें कॉल आती है मामा के नंबर पे, मेरे नंबर पे अननोन डॉक्टर ने फोन किया कि आपका बेटा जना हॉस्पिटल में, आप जल्दी से आ जाओ। तो मामा से भाई कॉल पे बात नहीं, मामा ने पापा को फोन दिया, पापा ने उठाया, पापा का भी बुरा हाल हो गया, उसके बाद पापा ने से गाड़ी भी नहीं चली, पापा ने अपने एक दोस्त को फोन किया भाई वो आए, वहां से निकले तो वहां जाके देखा तो पूरे 11:30 बजे 11:30 बजे भाई भाई की डेथ हो गई। और जिस दिन फौत हुआ था पूरे 16.5 साल का, मतलब ना एक दिन ऊपर ना एक दिन नीचे,
तो जब भाई हमने बैक स्टोरी पे हमने लगा के जो ड्राइवर है उसका मतलब क्या कत्ल वगैरह का सीन है, हमें लगा कि भाई कोई जाती दुश्मनी या कोई लड़ाई छड़ाई उसका भी सीन हो सकता है, लेकिन पता क्या था, क्योंकि कुछ भी नहीं कुछ भी था। नहीं था, क्योंकि हमें गाड़ी में लगा था कि यार पांच जितने थे तो पांच जितने थे और किसी को कुछ नहीं हुआ सिर्फ हमारा एक भाई। रोड पे बच्चा था, वो भी फोत हाँ हुआ और था। जब वो तो बाद में बताते हैं ना, तो भाई सारी गाड़ी में किसी को कुछ नहीं हुआ भाई, हमारे भाई की डेथ हो गई। फिर जब हमने पता करवाया तो पता चला कि भाई गाड़ी की स्पीड थी तकरीबन 160 पे, जो उसका मीटर जो रुका हुआ था ना, मतलब गाड़ी लगने के बाद जिधर मीटर का कनेक्शन वगैरह खत्म हो गया वो 160 थी, मतलब इससे ऊपर भी हो सकती है क्योंकि जिधर मीटर बंद हुआ है उधर बंद हुआ है कुछ। तो भाई वो डबल तकरीबन 160 की स्पीड पे भाई ड्रिफ्टिंग कर रहा था, मतलब जो सारे जो बैठे थे, तो ड्रिफ्टिंग करते करते भाई गाड़ी स्लिप हुई पहले। लेकिन एक मजदूर आया हुआ था, उसका बेटा था, वो संडे के दिन वैसे ही आया था काम करने के लिए, वैसे वो पढ़ता था, वो काम करने के लिए आया हुआ था अपने बाप के साथ, उसके अंदर गाड़ी लगी पहले। तो भाई वो मौके पे जो है ना उसका इतना बुरा हाल था कि लोगों ने उसके ऊपर सफेद चादर डाल दी थी है ना माँ, जिधर मैं गलत हूँ उधर बता देना, तो जिधर भाई उसके ऊपर सफेद चादर डाल दी। उसके बाद भाई गाड़ी घूम के लगी दरख्त में और सिटी पास करी थी किसी की, वो भी सारी तबाह हो गई, और गाड़ी का ये हाल था कि देखने लायक नहीं था। वीडियो चला दूं बीच में वो वाली के नहीं, थोड़ी सी भाई की पिक थोड़े दिखा से चलो क्लिप बीच में चला दूंगा मैं, वो देख लेना। तो ये सारा सीन था, मैं फोन आया कि भाई डेथ हो गई है और यहाँ पे स्टोरी एंड, सबका बड़ा बुरा हाल था, ऐसे ही है। तो भैया मामा तो भी नंबर एक इमोशनल हो गए, पोजीशन। जरा यहाँ पे कैमरे को मतलब रिकॉर्डिंग को स्टॉप करके जरा इनको सेट वेट करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको। तो भाई वो स्टोरी वगैरह खत्म करके मामा को चुप करा के, अब मामा को भी हमारे पास आया था यार, इसके कोई चैनल का मसला बन रहा था 3 दिन से इसलिए वीडियो नहीं आ रही, तो यार इसके चैनल की वेरिफिकेशन वगैरह अब कर दिया हमने, इसका व्लॉग आ रहा है लाजमी जाके, खुबैब शेख के नाम से चैनल होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसके चैनल को जाके सब्सक्राइब करना है भाई, जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं उतने इसके होने चाहिए कल तक। और को मैं अभिषेक कह दिए भाई तुम जान हो अपनी, ना भी कहता तो फिर भी हो जाने। वेल डन है, कैसा रहा दिया यार, यार जाके सारे सब्सक्राइब वगैरह करो भाई, ठीक है बहुत मेहनत से मैंने जो है अपनी शर्म को हटा के ब्लॉग अपलोड किया है। तो यार जाके इसका चैनल चेकआउट करो, उसके बाद मिलते हैं यार। यहाँ से हम निकल रहे हैं अपनी नानो घर के लिए समना बार, ठीक है उधर पहुंचते हैं, वहां जाके आपको मिलते हैं। ये चेक करो भाई नचने वाले, आज इसने वाकई नचने वाले शूज पहन लिए गोल्डन, तूने नहीं है भाई। यहाँ से हम निकलते हैं हम समना, मेरे शूज तूने पहन लिया यार, चलता है भाई, हम है ही गरीब, हम है ही मंगते। तो यार यहाँ से निकलते समना बात के लिए, उधर जाके मिलते हैं। ये क्या है भाई, हम नानो के घर पहुंच गए हैं, ठीक है ये देखो प्लेटे श्लेटे लग गई है, खाना शाना भी आने वाला है, खाना शाना खाते हैं यहाँ से, फिर इधर से निकलना है क्योंकि इधर ही यार इतना अच्छा व्लॉग निकलेगा नहीं, क्योंकि आपको भी दिखाना है कुछ, तो यार गायब होना पड़ेगा यहाँ से। घर मेरे दोस्त वगैरह आ रहे हैं, यतीम खाने वाले जहाँ पहले रहते थे ना वहाँ से आ रहे हैं दोस्त, बकर को शायद आपने देखा होगा, मांस को नहीं देखा होगा, वो दोनों आते हैं, तो घर जाके ही आपसे मिलते हैं भैया। खुबैब साहब को पता नहीं क्या हुआ है, लकड़ा फाड़ के आग लाने लग गए बाबा जी। भाई मैं अपने पुराने दिन याद करने जा रहा हूँ, आलू शालू भी मैंने सुना लेके आयो भैया, आलू शालू लेके आया, अगला आग में डाल के पका के खाएगा भाई, इस कार सालन नहीं लभ्या, कार सालन नहीं लभ्या, अल्लाह का शुक्र है सालन बथेरा। तो यार अब ये आग शाग लगाते हैं उसके बाद आपको मिलते हैं। तो यार आग वगैरह का जो है हमारा बोन फायर करने का दिल कर रहा है, ये देखो जरा सारे दोस्त वगैरह चेक करो, ये सारे ये मुआज भाई तो फिर आग है हर जगह आता है, ये धोंदा वाइफ फ्रेंड धोंदा, ये नजर ही नहीं आ रहा, ये कुछ काम है लेकिन गाली दे दूंगा अभी मुझे ना कुछ कहे, ये मेरा भाई है छोटा। चलो यार अब खुबैब साहब लगाओ आग, है खुबैब शेर ने तो जलेबियां नहीं कटन लगा जेंज कुमार भाई, पीछे हो जा तुम पे बहुत जोर की आ रही है, बहुत जोर की आ रही है, टट्टी हो गई आग है बढ़िया ए मेरा सबर है भले उसको अच्छी तरह जलने खत्म क्या वो बहुत है अभी ये दांदे के दान चल जाते थे तेरी पहन दा भैया माज भैया बने शेर शायरी करके सुनाएंगे, ये सुनेगा ये भी सुनेगा मैं भी सुनूंगा, इसको तो आप जानते हो भाई मैट्रिक पास हो गया अगला, चल भाई
वो इरशाद पहले तू क्या अर्ज किया है इरशाद तेरे बदल जाने का दर्द नहीं मुझे, मैं अपनी यकीन पर शर्मिंदा। चल भोसड़ी के भाई कोई सही सुना यार, जो दो लाइनें राइमिंग होती हो। सोचो तुम्हें एक शख्स से बेपनाह मोहब्बत है और वो तेरी यार। चल दोबारा यार। सोचो तुम्हें एक शख्स से बेपनाह मोहब्बत हो। अच्छा सोचो तो सही। सोचो वो तुम्हारी तकदीर में ही ना हो। ओ यार जिहड़ी दो लाइनां डाल दिया और ओ दस। वो मुझको ये नहीं कहता कि मर जाओ, वो मुझकर वो मुझको ये नहीं कहता कि मर जाओ, वो मुझको छोड़ के जाने की बात करता है। अच्छा था ये बाहर काट। चल भाई दोबारा मैं इधर आ जाता हूं। अगला लबंदी। वो जो लड़का तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हें किसी और के साथ देखेगा तो मर जाएगा। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं भैया जी क्या बात है, क्या है, क्या बात है। दुखा टीडा दा पैन ओ नी पैक सी बना ले। क्या बात है। बारह बजे उठ के फिर अगला व्लॉग स्टार्ट करना है यार। क्या जिंदगी है मेरी, इतना लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया मेरा। तो भाई मौस साहब इधर ही है, ये जाएगा सुबह उठ के तो यहाँ पे। अगर उठ गया तो चला जाएगा, वैसे तो अल्लाह करते उठे और निकले इधर से। तो यार यहाँ पे करते हैं व्लॉग को एंड। अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं अगली व्लॉग पे। ओका फिर।